जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख सकते हैं चौखटों का ऑर्डर हो गया है कंप्लीट, तो सारी डिटेल बातें आपसे शेयर करूंगा। मैं फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता हूं, फर्नीचर का वर्क भी करवाता हूं। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई अपनी सागवान की चौखट एक कंप्लीट हो चुकी है, बस इस पे ग्लेंडर लगाया जा रहा है। जैसे कि जो सागवान की लकड़ी होती है, तो भाई हम लोग बोटा सिलवाते हैं तो थोड़ा बहुत गड्ढे गुड्ढा होता है। भाई आप चाहे जैसे भी बोटा ले लो, आप थोड़ा बहुत गड्ढा गुड्ढा मिलता है, तो भाई उनको भर के फिर ग्लेंडर किया जाता है। और ये जो लकड़ी है वो 5.5 की चौखट है और स्टार्टिंग प्राइस 300 रुपये हमारे यहाँ है, बट ये जो चौखट है वो 350 रुपये रनिंग फिट में जा रही है, क्योंकि भाई इसमें जो लकड़ी लगी हुई है वो 85% तक पकी है। देखिए जितना पका माल लेंगे उतना महंगा मिलेगा, जितना लंबा माल होगा, जैसे 8.5 फिट की चौखट है तो भाई जितना लंबा माल होगा वो महंगा मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। जैसे कि ये चौखट है 350 रुपये रनिंग फिट में मिल रही है, और जो विंडो है ये भी 350 रुपये में है। जो स्टार्टिंग प्राइस है हमारे यहाँ वो 300 रुपये रनिंग फिट से स्टार्टिंग प्राइस है, जिसमें लकड़ी जो है 70% पकी मिल जाएगी, इसलिए भाई वो जो उसका प्राइस है थोड़ा कम है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी कच्ची पक्की से कोई मतलब नहीं सागवान में। हाँ ये है कि जब ज़्यादा पकी लकड़ी होती है तो ज़्यादा बेटर होता है, बट सागवान में ऐसा नहीं कि कच्चा माल सड़ जाता है, कच्चा माल भी उतना ही चलता है जितना कि पका माल चलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 300 रुपये वाली चौखट भी आप बनवा सकते हैं, जिसमें 70% पक्का और 30% कच्चा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार की क्वालिटी में भाई अगर आपको चौखट चाहिए तो 350 रुपये रनिंग फिट 5.5 की चौखट, और ये 5.5 में कंप्लीट चौखट है। ऐसा नहीं कि 5.5 में हमने बता दिया तो रंदा मार के फसला कर दिया, ये कंप्लीट 5.5 की चौखट है। और यहाँ पे बोन टाइट हम लोग लगाते हैं, जहाँ पे भी गड्ढी गुड्ढा होता है, जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बोन टाइट का यूज कर लिया जाता है। इससे ये रहता है ना कि जब जॉइंट लगा दिया जाता है तो जॉइंट कभी जिंदगी में खुलता नहीं है। दूसरी बात ये बुरादा वगैरह जो भरते हैं फेविकोल से, तो भाई कुछ समय के बाद जो होता है ना कि पानी पड़ता है तो वहाँ से बुरादा वगैरह फेविकोल छोड़ने लगता है, पर बोन टाइट से ऐसा दिक्कत नहीं आती है। तो यही सब चीज़ें भाई हम लोग यूज करते हैं अपनी चौखट में, जिससे कि एक बेटर क्वालिटी आप लोगों को दे पाए। बट प्राइस का भाई इशू रहता है, बहुत लोग कहते हैं थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, पर थोड़ा ज़्यादा प्राइस नहीं, काम के हिसाब से प्रॉपर तरीके से भाई चूर छेदा किया जाता है, हर एक लकड़ी में भाई चूर छेदा किया जाता है, उसके बाद काम किया जाता है। और जो हम लोग सब लोग फेविकोल लगाते हैं उस जगह पर हम लोग लगाते हैं बोन टाइट। या आप भी अगर अपने घर की चौखट बनवा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करवा रहे हैं जहाँ पे लकड़ी का बुरादा भरना है, वहाँ बोन टाइट का यूज करना है आपको। तो भाई यही सब चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से भाई दो पैसा प्राइस हमारा ज़्यादा रहता है, बट क्वालिटी जो हम देते हैं वो भाई परफेक्ट होती है, उसमें कोई लेकिन वाली समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भाई बता के हम देते हैं वही आप तक पहुँचाते हैं। ये सब ऑर्डर है भाई लंबी दूरी का, वहाँ पे ऑर्डर जा रहा है ये। तो भाई इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।